मंच पर आती मेरे पास में बैठे 85 वर्ष के युवा शख्सियत, मेरे अत्यंत अजीज, मेरे गुरु सदृश और मेरे परम सनेही विद्वेश बाबू, हरे कृष्ण तिवारी जी, हमारे मित्र शिव कुमार प्रसाद, मीना जी, किरण बाला जी और सभागार में उपस्थित मेरे बहुत अच्छे साथी और साहित्य प्रवक्ता कवि आलोचक रमेश निरोपल जी, नवादा को प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो युवा साथी विश्वकर्मा जी, शंभुनाथ विश्वकर्मा जी, संजय संघर्षी और अभिभावक सदृश अभ्यास बाबू एवं मेरे चाचा बैठे हुए हैं यहाँ राम किशोर बाबू एवं उपस्थित साहित्य प्रेमियों को दिग्गजन, मैं तो अभिभूत हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे उद्गार व्यक्त किए। पता नहीं मैं अपने को टटोलने की कोशिश कर रहा था कि क्या इसी जयनंदन के बारे में कह रहे हैं जो यहाँ बैठा हुआ है। कई बार अपने अतीत में झांकने का मौका ऐसे अपनों पर मिलता है और यह तो सच है कि नवादा मेरी धमनियों में रक्त की तरह बहता है। मैं भले ही 18-20 वर्ष ही यहाँ रहा, लेकिन सच मानिए कि वो जीवन का जो आरंभिक काल होता है वो पूरी आपकी जिंदगी को संचालित करता है। वो मैंने कहा रक्त की तरह मेरी धमनियों में धड़कता है और सब कुछ ये तो जिसने गांव नहीं देखा, जिसने गांव की माटी को महसूस नहीं किया, जिसने वो जीवन नहीं देखा वो बड़ा कुछ ये करते हैं और वो एक बड़ा रचनाकार नहीं, क्योंकि जिंदगी तो सब कुछ ये तो गांव में ही है। आप कितने तरह के रिश्तों से बन जाते हैं, अगर मेरे बगल में एक पड़ोस में मुसलमान है, दूसरे में कोई दूसरी जाति के, तीसरे में किसी और जाति के, और सबको आप संबोधन क्या देते हैं, कोई चाचा है, कोई भैया है, कोई भौजी है, इस तरह का परिवेश आप शहरों में बिल्कुल नहीं मिल सकते। मैं मेरे नवादा से मेरी शिकायत करती थी कि दुनिया कहाँ में कई कई कहानियाँ पहुँच जाती हैं आजकल इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन हमारा नवादा हमें बहुत कम जानता है। लेकिन अब तो मुझे यह शिकायत दूर ही कर देनी पड़ेगी, जब से कम भोपाल मेरे दोस्त ने मेरी कहानियों पर काम करना शुरू किया और उसने लगातार मेरी कहानियों का मंथन किया, शोध किया, उस पर विचार विमर्श किया और उसके बाद कई कई लेख लिखे इसने। कुछ लेख तो ऐसे भी हैं जो भी किताब में प्रकाशित नहीं किए। अब इस लड़के में जो निष्ठा है, जो लगन है, जो तपस्या इसने की है, वो आप कितने भी इसके निंदक हो उसकी सराहना आपको तो करनी चाहिए। इस लड़के ने वाकई न सिर्फ मेरी कहानियों पर बल्कि इसी समय एक कहानीकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर राष्ट्रीय मानचित्र पर भी ये कहीं ना कहीं मुझे होता हुआ आपको दिखेगा। कई अच्छी पत्रिकाओं में उसकी कहानियाँ आई हैं, हालांकि कुछ कहानियाँ या कुछ रचनाएँ इसके अल्पवर वाली पत्रिका में जाती है, लेकिन कुछ बढ़िया पत्रिका में आती है, जैसे अभी अभी इंद्रप्रस्थ भारती में उसकी कहानी आई, वो हिंदी दिल्ली हिंदी अकादमी की पत्रिका है और बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, उसमें इसकी कहानी आई। उसके भाई सावन कुमार की कहानी मुझे उसमें आई और फिर उसके बाद हमारी कहानी हंस मिल जाएगी, हंस में इसकी एक मधु कथा आई थी। हंस जो राष्ट्रीय स्तर की बहुत चर्चित और बहुत पठित पत्रिका है, उसमें भी इसकी कहानी आई। और इसके अलावा अक्षर फर्म में इसका एक आलेख आया और इसी तरह से कई पत्रिकाओं में लगातार दिखाई पड़ने लगा है। मैं इस पर नहीं लेना चाहता कि मेरे चलते ही है, लेकिन इसमें लगन ऐसी जगह है या कहिए कुछ
मेरे जीवन के संघर्षों से या मेरे लिखने के ढंग से या मेरे सोचने की प्रक्रिया से इसको जो थोड़ी बहुत प्रेरणा है, जो थोड़ा बहुत उत्साह मिला होगा, वो जरूर उसके काम करता होगा। लेकिन ये मेहनत इतना किया है कि नवादा को, नवादा की सन्नाटा जो मुझे लगता है कि बराबर बनी बना बना हुआ रहता है, उसको तोड़ने का तो काम है। और इस किताब के माध्यम से, कथा नवादा के माध्यम से, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर, कहानियों के राष्ट्रीय परिदृश्य पर कथा नवादा एक लकीर खींचने में समर्थ हो, ये पुस्तक समर्थ हो, और लोग नोटिस करेंगे। और आश्चर्य की बात ये होगी, होगा कि ये किताब जिस प्रकाशन से छपी है, रुकिया प्रकाशन, वो कोई बहुत मामूली प्रकाशन नहीं है, वो एक अच्छे प्रकाशन में से गिना जाता है। और दिल्ली का आप इसकी प्रिंटिंग वगैरह देखेंगे, आप ताजुब करेंगे, इसकी प्रिंटिंग इतनी अच्छी है और इसका पूरा गेटअप वगैरह, इसका लेआउट, डिजाइन वगैरह, हालांकि बहुत मेहनत इसने खुद ही की है, लेकिन प्रकाशन का योगदान तो होता ही है। तो उस स्तर पर उस अनुभव प्रकाशन ने छापी किताब। आप कहेंगे कि किताब कोई प्रकाशक कैसे छापता है, आज सच है कि प्रकाशक जो है ना पहले लेखक की औकात देख लेता है कि वो मेरी किताब जो अगर हम छापेंगे उसकी तो वो कितने हाथों तक पहुँचेगी। किताब से हमें, क्योंकि वो एक व्यवसायी है, वो प्रोफेशनल है, तो किताब से कमाई उसकी कितनी होगी, तो जाहिर है कि वो ये एक्सपेक्ट करता है। तो उसने भोपाल निर्दोष के इस प्रतिभा को या कहीं इस कर्मठता को नापने की पूरी कोशिश कर ली पहले कि किताब कितने हाथों में पहुँचेगी और वाकई किताब की अहमियत कितनी होगी राष्ट्रीय स्तर पर, तभी उसने किताब छापी अनुजा प्रकाशन में। और इसके पहले भी कोई किताब आई है, वो ये नाइंसाफियों के मुठभेड़ के कलम था, वो भी बोधी प्रकाशन, एक अच्छा प्रकाशन, उसने इसी किताब को छापा। तो जाहिर है इसका नोटिस राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल की ली जा रही है। और मुझे लगता है कि जितना समर्पण, जितनी प्रतिबद्धता इस लड़के में है, मैंने पिछली बार आपको याद होगा, अगर आप लोगों में से कुछ होंगे, तो मैंने इसको स्नेह वर्ष को इसको चढ़ाने के लिए नहीं, चिमोकन शब्द का एक बहुत अच्छा शब्द है ये। एक साहित्यकार अगर वो चिमोकन की तरह विषय पर लटक नहीं जाए, उस विषय को पूरी तरह से खंगाल नहीं दे, उसमें पूरी तरह अपने को समाविष्ट नहीं करते, तब तक वो बहुत अच्छा लेखक नहीं है। इसमें जो प्रवृत्ति मैंने देखी थी, किसी भी चीज में जो एकदम पड़ जाता है वो एकदम भिड़ जाता है पूरी तरह और उसको संभाल जाता है, ये साहित्यकार में भी होना बहुत जरूरी है। भोपाल मेरी शुभकामना इसके साथ है और मेरा पूरा आशीर्वाद, और जो भी इसको सहयोग चाहिए होगा भविष्य में, आपको आश्चर्य होगा कि दिन भर में कम से कम 3-4 बार तो फोन मुझे करीब देता है। और एक 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 इसके जो कदम होते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है, इसके लिखने के जो ढंग होते हैं या जो लिखता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करता है। कई बार तो मैं थोड़ा सा खिन्न हो जाता हूँ, अरे यार सब कुछ अभी तो खुश हो गया, कुछ तो अपने से कर लिया करो, लेकिन इसमें जो विनम्रता इतनी है कि मैं कायम हो जाता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा लड़का तो क्या कहिए कि एक शिष्यवत या कहिए अपना बहुत टाइप का मिलने वाला नहीं। इसलिए गोपाल जितना तुम्हें मेरी जरूरत है उतना मुझे तुम्हारी, क्योंकि देखिए आपको पाठक तक नहीं रहेंगे, आपको चाहने वाले जब तक नहीं रहेंगे, आपको प्रसारित करने वाले जब तक नहीं रहेंगे, तो क्या है आप, हम लोग कोई फिल्मकार नहीं है कि एक फिल्म बनाते हैं 100 करोड़ में तो उसमें 30 करोड़ रुपया विज्ञापन पर लगा देते हैं। हम लेखक इतने संकोची होते हैं, इतने शर्मीले होते हैं कि अपनी किताब छप जाती है तो किसी को बताना भी सकते नहीं था। और सचमुच ये तो गोपाल चूंकि अभी नया नया है, उनका हमें प्रमोशन वगैरह करवा रहा है, अगर मेरी अभी भी तीसरी किताब आई है, मैं विमोचन सब में अब मुझे झेप होती कि क्या विमोचन करवा रहा हूँ, अच्छा मैं किसी को कह भी नहीं सकता। और तो और मैं आपको बताऊँ कि मेरी कोई किताब आती है फेसबुक में भी डालना, कोई डाल दे तो फिर बने मैं उसको शेयर कर देता हूँ।
खुद से फेसबुक पे डालना भी मुझे लगता है कि अरे यार बहुत छोटा प्रोडक्ट है और मैं सच में ऐसा नहीं करता। अब जहाँ तक नेट वगैरह की बात है, भोपाल उसमें भी बड़ा आगे है, इसकी कई भांगा आपको नेट में मिल जाएगी। आप भोपाल नेटवर्क के नाम से गूगल में मारिए इसका नाम, तो कुछ चीज़ें उसमें आपको दिखते रहेंगे। ये पत्रिका एक अभिव्यक्ति वगैरह कुछ निकालता है, प्लस उसके कई व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं। हैरत होती है मुझे कभी कभी कि इस पागल आदमी ने क्या क्या छान लिया है भाई। तीन चार इसके क्या मगीर में छुटा मैंने उसको मैं आप लोगों को अलग किया है, उसके बाद अभिव्यक्ति उससे भी मैंने अलग किया। अरे यार निर्दोष नवादा निर्दोष और क्या क्या चलाता रहता है भाई। सबसे पहले आपको डिलीट किया, उसके बाद देखे कि फिर सारा डिलीट किया, फिर उसको अरे यार ने जुनून नाम का चीज ऐसा भरा हुआ है जिसको कहते जुनून मतलब क्या पागल, और वो पागल पड़ वाले लेखक में नहीं हो तो वो लिख नहीं सकता। अब आपके अंदर कोई भाव को विषय अटकता है और आप घर परिवार खाना पीना छोड़ करके उस पर लग जाते हैं, फिर वो कैसे हो सकता है, उसको कैसे बनाया जा सकता है, पागल बनी नहीं। अरे दुनिया जहान में बहुत सारे सुख के रास्ते हैं, तलाशो यार उसमें है, लेकिन लेखक क्या करेगा, उस विषय में अटक गया है और अब उसी को साधने की कोशिश करेगा, और वो जब तक पूरा नहीं करेगा न उसको ठीक से भोजन अंदर जाएगा, न उसको अच्छी नींद आएगी, न किसी से ठीक से बतियाएगा, परिवार वालों बच्चे अपने बाल बच्चों का करता रहेगा है, वो उस पर भिन्नता रहेगी। तो लेखक का जो ये कैरेक्टर होता है वो महत्व इसलिए नहीं कि वो उसको स्वांत सुखाए, वो बहुत बड़ा सुख उसको मिल रहा है और बहुत बड़ा वो नाम कमा लेगा, उसको सामाजिक सरोकार की चिंता होती है कि समाज में जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ आदमी, जो एक मुख्य धारा विकास की मुख्य धारा से जो बिल्कुल पीछे रह गया है, उसको आगे लाने की क्या कोशिशें होनी चाहिए, या आगे लाने के जो प्रयत्न हुए हैं वो कितने अच्छे प्रयत्न हैं, वो प्रयत्न अगर वास्तव में हुए भी हैं या नहीं हुए। जय नवादा जय।